हेलो गाइस, आज हम आम की चटनी बनाएंगे। और पहले हमने धूप में बनाने वाली चटनी बनाई थी, अब हम इसको राज रानी चटनी बोलते हैं और इसने कई सदियों से सबके दिलों पर राज किया है। ये आम की चटनी हम पकाकर बनाएंगे, कढ़ाई में पकाकर बनाई जाती है। इसको कैसे बनाना है, हमने पहले ऐसे वाले आम लिए छिलके वाले, फिर हमने इसको पहले भिगो लिया था, फिर इसको धोकर सुखा लिया, फिर इसको ऐसे छील लिया। छीलने के बाद हमने इसको कद्दूकस किया, कद्दूकस करके ऐसे पल्प निकाल लिया, कद्दूकस करके हमने ऐसे पल्प निकाल लिया। और इसको पकाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में जितना ये पल्प है उतनी हमने चीनी लेनी है। चीनी और पल्प को दोनों को पहले अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, फिर उसकी चाशनी बनाई जाती है और थोड़ा सा कड़छी में से चीनी को लेके ऐसे दबा के देखा जाता है उसकी तार बन गई है। जब तार बन जाती है तो उसको थोड़ा ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद ये मसाले उसमें, ये सब मसाले इसमें डाल दिए जाते हैं। पहले चीनी को पकाया जाता है इसके इसमें पल्प में, उसके बाद में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसमें सब मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे थोड़ा सा नमक, ये मीठी है ना तो, और इसमें थोड़े से मेथे हैं, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, काली मिर्च साबुत है, और ये थोड़े से मग्ज हैं। इन सब को बाद में मिलाया जाता है जब चीनी की चाशनी पलक के साथ तैयार हो जाती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद ये मसाले मिलाए जाते हैं। अब मैं इसको गर्म करके भी आपको दिखा दूंगी। इसका रंग भी बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, ये पौष्टिक भी है और फायदेमंद भी है। और इसको सभी बहुत सदियों से इसने हमारे दिलों पर राज किया है, इसलिए हम सब इसको राज रानी चटनी बोलते हैं। हम इसको गैस पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। गरम होने के बाद जितना पल्प लिया है उतनी ही हमने चीनी ले ली है, उतनी ही चीनी हम इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे और ये पतला हो जाएगा, फिर बाद में इसकी चाशनी बन जाएगी। और दो तार जैसे हम ऐसे दबाएंगे और देखेंगे दो तार बन गई है तो हमारी चाशनी तैयार होगी। इसमें बाद में सारे मसाले मिलाए जाएंगे और फिर ये चटनी तैयार हो जाएगी। देखो, हमने अब इसमें पलक में चीनी मिलानी शुरू कर दी है और धीरे धीरे हम इसको मिलाते जाएंगे, ये गीली होती जाएगी और इसमें मिक्स हो जाएगी। ये सारा पलक हमने इसमें ऐसे ही चीनी डाल डाल के बनाना है। और चीनी एकदम से नहीं भी आ रही तो धीरे धीरे डाल सकते हैं जब ये पिघल जाएगी। गर्म होने के बाद ये खुद ही थोड़ी नीचे चले जाता है पलक, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका रंग भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है और ये ऐसे पतली हो गई है। चीनी समझ लो ये गर्म होकर पिघल गई है। और इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये चाशनी ना बन जाए दो तार वाली। ये देखो, अब हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया है और हमने अब इसकी चाशनी चेक करनी है। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे देखना है, ये देखो ऐसे ये तार बननी शुरू हो गई है। अब बन गई है ये तार, ये देखो बन गई है ना, ये देखो ये ठंडे होने पर पता चल जाता है ये तार बन गई है, इसलिए ये तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा ठंडा करके इसमें मसाले मिलाए जाएंगे और चटनी तैयार हो जाएगी। हमने सारे मसाले जो आपको लाल मिर्च, काली मिर्च और जो आपको बताया गया था सौंफ थोड़ी सी, सारे मसाले आपको दिखाए गए हैं, वो थोड़े थोड़े चार चार चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद मगज भी डाल दिए हैं, ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाया जाएगा और थोड़े से बादाम भी डाल दिए हैं, इसमें किशमिश भी डाली जा सकती है। ये देखो ऐसे इसको सारी को हम मिला देंगे अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद फिर हम इसको मर्तबान में थोड़े से दो चार लौंग डाल के ठंडी करने के बाद हम कांच के मर्तबान में डाल लेंगे और ऐसे ये चटनी तैयार हो जाएगी। और ये बहुत पौष्टिक है, इसको राज रानी चटनी बोलते हैं, इसने सब पे राज किया हुआ है और ये सबको टेस्टी लगती है। अब ये देखो ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ठंडी भी हो गई है। अब हमने इसको मर्तबान में डालना है। ये देखो आपको कैसे लग रही है। और ये इसमें हमने बादाम भी डाल लिए हैं और मग्ज भी डाल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसको राज रानी
चटनी बोलते हैं, ये सबको बहुत पसंद आती है। और मर्तबान में डालने से पहले हमने इसमें 4-5 लौंग डाल देने हैं ताकि ये खराब नहीं होती। ये भी सालों साल चलती है, बस ध्यान रखना कि आप ही इसको कितनी संभाल कर सकते हैं। ये पानी से इसको दूर रखना चाहिए और अन्न वाले बर्तनों से, अन्न वाले हाथों से दूर रखना चाहिए। ये देखो ऐसे मर्तबान में डाल देंगे, ये 4-5 साल आसानी से रह सकती है। आपको ये आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो हमें भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।